हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ एजुकेशनल ब्रो और आज मैं आपके लिए ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ जिससे कि हम लोग 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम जो कि 12th मार्च का है उसका एक स्टडी प्लान बना सके। तो यार हमारे पास दो दिन का ही टाइम है और जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में कि यार दो दिन में कैसे प्रिपरेशन की जाएगी। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बताऊँगा स्टडी प्लान 2 डेज़ के लिए, और इन दो दिन के बीच में मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी बताऊंगा डायरेक्ट NCERT बुक से, और जो रिवीजन बुक है मेरी उससे भी बताऊंगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि कौन सा क्वेश्चन कितने वेटेज में आ सकता है, और स्टूडेंट लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से कितने रिपीट हुए हैं। चलिए स्टूडेंट आपको मैं स्टडी प्लान बताता हूँ आगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारी यूनिट आ जाती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है टोटल मार्क्स आएंगे इसके 14, मतलब 14 मार्क्स के अंदर अंदर इन चारों चैप्टर में से कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अपने रिवीजन बुक में से भी बताऊंगा और NCERT से में भी बताऊंगा। दूसरी यूनिट आती है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन जो कि टोटल 18 मार्क्स की है। स्टूडेंट्स इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बात ये आती है कि यार इनको पढ़े कैसे। दोनों यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और टोटल वेटेज जो दोनों की यूनिट्स की है वो स्टूडेंट 32 मार्क्स की है। अब यार कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो ये जब आप अपना केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे के आएंगे तो स्टूडेंट्स फिर आप ज़रा सा 1 घंटे का रेस्ट लें, क्योंकि हमारे लिए रेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, माइंड के रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप रात तक, आज रात तक ही ये दोनों यूनिट कंप्लीट कर लें। बाकी बात की जाए आगे यूनिट की, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर यूनिट है हमारी, तो ये टोटल जो यूनिट है इसके 3 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर 14 मार्क्स के हैं, तो भाई ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बायोटेक्नोलॉजी दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के हैं। स्टूडेंट्स बस आप पता लगा ही सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। ऑब्वियसली पूरी बायोलॉजी की बुक ही 12th की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसी बात कह नहीं सकते कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। तो अब आप लोगों को ये दोनों यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी अगले दिन यानी कि 13 तारीख को सुबह दोपहर से पहले पहले ये दोनों कंप्लीट कर लेनी है। और बाकी आप लोगों के सपोर्ट में मैं रहूँगा, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जिस शेड्यूल से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस शेड्यूल से मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूँगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। आगे यूनिट आती है स्टूडेंट इकोलॉजी। तो जैसे कि हम 13 तारीख के दोपहर से पहले पहले ही ऊपर वो दोनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, कौन कौन सी यूनिट, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ हम इकोलॉजी रात तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके चारों चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें से। स्टूडेंट रात तक इसलिए बोल रहा हूँ, पूरा आधा दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके चैप्टर बड़े बड़े होते हैं और हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने की हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं स्टूडेंट वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहेंगे, कम इम्पॉर्टेंट कौन कौन से रहेंगे, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। बात की जाए तो 14 मार्क्स का ये टोटल चैप्टर आता है। तो स्टूडेंट्स जब हम ये अपनी पूरी रिवीजन 13 तारीख तक पूरी कर लेंगे, पूरी यूनिट्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद 14 तारीख आएगी, 14 तारीख में अपना पूरा फुल रिवीजन करेंगे सुबह से लेकर रात तक स्टूडेंट, फिर उसके बाद मैं बीच बीच में ये जो आज का टाइम होगा या कल का दिन होगा उन दोनों दिन के बीच में मैं लास्ट ईयर के पेपर आपसे डिस्कशन करूंगा, जिससे कि हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन भी हो जाएगी, एनालाइज भी हो जाएगा पेपर की किस तरह से कौन से क्वेश्चन कितने वेटेज में आया है, और क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। जब हमारी फुल रिवीजन हो जाएगी स्टूडेंट तो हमारे 60 मार्क्स तो आने ही आने हैं बिल्कुल। तो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर पेपर है वो मैं डिस्कशन आपसे कर सकता हूँ 13 तारीख में और 14 तारीख में स्टूडेंट, जिसकी वजह से हम लोग का रिवीजन साथ ही साथ अच्छे तरीके से एक तरह से कंफर्म्ड वे में होता रहे। तो अब स्टूडेंट आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जिन बच्चों के बायोलॉजी के ट्यूशन नहीं लगे हुए हैं और उनको एक किसी टीचर की ज़रूरत है, किसी मेंटर की ज़रूरत है, लास्ट ईयर पेपर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो स्टूडेंट आप उन लोगों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए और स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट ऑल।